बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा काबली पुलाव, जिसको कि अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें जो चीज़ें डलनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके लिए लिया है 2 किलो बकरे का गोश्त, मैंने हड्डी के साथ लिया। आप चाहें तो बोनलेस यूज़ कर लें, आप चाहें तो इसकी जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिए 4 मेयरिंग कप बासमती चावल, आप चाहें तो इसकी जगह सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। 2 प्याज लिए और उनको बारीक बारीक काट लिया। 3 गाजरें लीं, उनकी मैंने जुलियन कटिंग कर ली। 2 लिए हैं मैंने टमाटर और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। फिर इसमें नमक 2 चाय के चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच और ये थोड़े से साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें मैंने लिए 2 दालचीनी के स्टिक्स, 3 मोटी इलायचियाँ, 15 से 20 काली मिर्च के पीस और सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं मैंने 7 से 8। फिर उसके बाद इसमें जाएगी किशमिश, जो मैंने ली 3 से 4 टेबलस्पून किशमिश है, और बादाम लिए, उनको मैंने भिगो के उनका छिलका उतार लिया। तो सबसे पहले हम ये जो तमाम मसाले हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंडर में डालेंगे और इनको तमाम मसाला जात को हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, तमाम मसालों को अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। अब हम सबसे पहले गोश्त को गलाएंगे। तो सबसे पहले हमने गोश्त को गलाकर उसकी यहनी तैयार करनी है। मैं उसके लिए कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में हम गोश्त डालेंगे और साथ ही हम तकरीबन 5 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था, उसमें से 1 चम्मच मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम कुकर को बंद करेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक कुकर को चलाएंगे, या उस टाइम तक जब तक हमारा गोश्त गल जाए। अगर आप चाहें तो उसको खुले पतीले में भी पका सकते हैं। उसके लिए आपको पानी भी इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा और तकरीबन 1 घंटा आपको चाहिए होगा इस मटन को गलाने के लिए। तो चलें इसको 15 मिनट के लिए कुकर करते हैं। गोश्त को 15 मिनट कुकर किया, उसके बाद कुकर को खोला और गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है, यहनी बन गई है। अब हम इसके अंदर से तमाम गोश्त को निकाल कर अलग-अलग एक बाउल में रख लेंगे और यहनी को अलग-अलग कर लेंगे। इस तरह से सारा गोश्त अलग-अलग निकाल लेंगे और यहनी को हम एक साइड पर रख देंगे। अब दूसरा देगचा लिया, जिसमें हमने चावल बनाने हैं। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाजरें जो हमने काट के रखी थी, और इन गाजरों को हम 1 मिनट के लिए इसमें मीडियम टू स्लो हीट पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गाजरों को फ्राई करते वक्त इसमें हम जो चीनी 1 चम्मच रखी थी उसमें से 1/2 चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे गाजरों का कलर ख़राब नहीं होगा, वो अपना कलर बिल्कुल वैसे ही उनका कलर जो है वो फ्रेश रहेगा। बस सिर्फ हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इन गाजरों को बाउल में निकाल लेंगे इसी ऑयल में। अब हम डालेंगे सारी किशमिश और इसको भी स्लो हीट पर 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, बस 1 मिनट फ्राई करने के बाद इनको भी हम निकाल लेंगे।
अब इस ऑयल में हम सारा गोश्त डालेंगे और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम उसको भून लेंगे। इस पर गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसको भी हम वापस बाउल में निकाल लेंगे। गोश्त को भी फ्राई करके निकाल लिया। अब इस पैन में ही हम बाकी 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 अदद जो हमने प्याज लिए थे और इनको डालकर मीडियम टू स्लो हीट पर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इन प्याज़ों को बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देना है, इनको ब्राउन नहीं करना। प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसमें पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को डालकर हमने 2 मिनट के लिए स्लो हीट पर उसको पकाया और देखें जो टमाटर हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे जो यहनी हमने बना कर रखी थी। यहनी की मेजरमेंट इस तरह से आप लेंगे कि अगर आपके पास 1 ग्लास या 1 कप चावल हैं उसी कप से मेजर करके आप 1.5 कप से थोड़ी सी ऊपर आप यहनी इसमें डालेंगे और इसी तरह से आप 4 कप के हिसाब से इसमें यहनी डालें। अगर आपको लगे कि यहनी थोड़ी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी क्वांटिटी को पूरा करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो नमक हमारे पास बचा है 1 चम्मच, वो डाल के जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें नमक को का टेस्ट चेक कर लेंगे और उसके साथ हम इसमें अगर और ऐड करना चाहें तो हम डाल लेंगे। ये जो 1/2 चम्मच चीनी बची थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी जो बाकी बचा था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम कवर करेंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। तो यहनी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। सबसे पहले हम इसका नमक चेक करेंगे। इसमें हम तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे और इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे थे उस तमाम चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हम इसको मीडियम हीट पर इसको पकने देंगे। चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। देखिए उसमें हल्के हल्के से ये ऊपर बबल्स बन रहे हैं। इस स्टेज पर आपने चावलों के सेंटर में ये तमाम जो गोश्त आपने गला के रखा था वो उसके सेंटर में आप डाल देंगे। इस तरह से इस सारे गोश्त को आप चावलों से कवर कर देंगे और जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी थीं वो सारी गाजरें हम इसके ऊपर डालेंगे और साथ थोड़ी सी गाजरें बस हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और किशमिश भी इसके ऊपर डाल देंगे, वो भी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा कर बाकी इसमें डाल देंगे। और इसको अब हम
दम पर लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो हीट पर दम पर रखेंगे। 15 मिनट तक चावलों को दम पर लगाया, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और चावल बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। देखें उनकी लुक बड़ी ही अच्छी आई है। अब हम इसको एक डिश में निकालते हैं, एक साइड से हम इसको स्लो स्लो हिलाएंगे और साथ साथ हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार सा काबली पुलाव रेडी है। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हुए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।